आसमान और जमीन से गाजा पर इसराइल तबाही मचाने वाले हमले कर रहा है। हमास के लड़ाकों और कमांडरों का खात्मा करने के लिए उसने शरणार्थी कैंपों पर भी भीषण बमबारी की। जबालिया, नुसरत, शाती, ये तीनों रिफ्यूजी कैंप थे जहां लोग घर तबाह होने पर सिर छिपाने पहुंचे थे, लेकिन इसराइल ने रात के अंधेरे में यहां विनाशकारी बमबारी की। इसराइल के हमलों के बाद चीख पुकार मच गई, लाशें बिछ गई, नागरिकों की मौतों को लेकर इसराइल पर गंभीर सवाल उठने लगे। लेकिन हमास जहां दावा कर चुका है कि सुरंग उसके छिपने के लिए है और नागरिकों की रक्षा का काम यूएन का है, वहीं इजरायली सेना ने दावा किया कि हमास के कमांडर रिफ्यूजी कैंप में शरण लिए बैठे हैं। उसने हमास के सेंट्रल जबालिया बटालियन के कमांडर इब्राहिम बियारी का सफाया कर दिया है। बियारी ने 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों को इसराइल में कत्लेआम मचाने के लिए भेजा था। इसराइल ने दावा किया कि उसने जबालिया में हमास के कमांड कंट्रोल सेंटर को उड़ा दिया, उसके साथ मौजूद कई आतंकियों को भी मौत की घाट उतार दिया। यही नहीं, इस हमले से जमीन के नीचे हमास का ठिकाना भी तबाह हो गया। अब सवाल ये कि हमास के बड़े कमांडर कहाँ हैं, यहया सिनवार और मोहम्मद डाइब कहाँ छिपे हैं, उनका सफाया कैसे होगा? तो सुनिए हमास के पूर्व नेता और उनके संस्थापक रह चुके हसन यूसुफ के बेटे का बयान, जो अब हमास का कट्टर दुश्मन बन चुका है। उसने यहया सिनवार का ठिकाना बताया है, जिसके हुक्म पर हमास ने इसराइल पर 7 अक्टूबर का खूनी हमला किया था। इसकी पूरी संभावना है कि यहया सिनवार अल-शिफा अस्पताल के नीचे रेत की गहराई में 30 मीटर नीचे है। रेत में बमबारी का असर नहीं होता, उसे मारना आसान नहीं, और उसे मारने के लिए शायद हमें पूरा अस्पताल तबाह करना होगा, लेकिन वो हमेशा के लिए छिप नहीं सकता। कुछ दिन पहले ही इजरायली सेना ने दावा किया था कि गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल-शिफा के नीचे हमास का कमांड और कंट्रोल सेंटर है। उसने उसके आसपास बमबारी भी की थी। वहीं हमास नेता के बेटे मौसाब का दावा है कि यहया सिनवार इसके नीचे छिपा है। उसने दावा किया है कि इस वक्त हमास के जो नेता गाजा से बाहर हैं, उनकी तलाश सिर्फ इजराइल ही नहीं, अरब की एजेंसियां भी कर रही हैं। इस वक्त दुनिया भर में इजरायली खुफिया अधिकारी, अरब खुफिया सेवा, वो विदेश में बैठे हमास के नेताओं की, खासतौर पर राजनीतिक विंग के नेताओं की तलाश में है। आज नहीं तो कल उन्हें सजा मिलेगी, वो बच नहीं सकते। हमास का ये भेदी मौसाब हसन यूसुफ इस वक्त अमेरिका में है, लेकिन वो इसराइल की घरेलू खुफिया एजेंसी शिनबेट के लिए काम कर चुका है, लिहाजा उसे हमास और इसराइली सेना दोनों के बारे में सब कुछ पता है। उसने गाजा की सुरंगों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। मौसाब ने बताया कि गाजा में दो तरह की सुरंग है, एक आक्रामक जो इसराइली सेना के पास है, यहाँ हमास के लड़ाके इजरायली हमले के जवाब देने के लिए तैनात रहते हैं। दूसरी सुरंग रक्षात्मक है, जो गाजा के भारी आबादी वाले इलाके के नीचे है। इनमें ऑपरेशन करना इजरायल के लिए बेहद मुश्किल होगा, लेकिन इजरायल के पास इनसे निपटने की पूरी तकनीक है। ज्यादा कुछ बताए बिना इतना कह सकता हूँ कि आईडीएफ के पास तकनीक है। वो सांप के कई टुकड़े कर सकता है। अगर हम सिर नहीं काट सकते तो उसके टुकड़े कर सकते हैं, जिससे हमास उन सुरंगों से निकल नहीं सकेगा। हम उन सुरंगों में उन्हें फंसा सकते हैं। इजरायली सेना जानती है कि हमास को उसकी सुरंगों से निकालने में वक्त लगेगा और ये लड़ाई लंबी चलेगी। यही वजह है कि ग्राउंड ऑपरेशन की कमान संभाल रहे इजरायली कमांडर ने अपनी फौज का हौसला बढ़ाने वाला संदेश जारी किया। इस बीच हमास की खुराफात भी जारी है। उसने देर रात तेल अवीव पर रॉकेट हमला किया, सायरन बज उठे और आयरन डोम तेल अवीव में एक्टिव हो गया। उसने हमास के रॉकेट तबाह कर दिए, लेकिन ये साफ है कि इसराइल से जंग में हमास इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्रैप तक।